हमीरपुर की गांधी चौक के बीचों बीच फास्ट फूड कैफे की आड़ में नाबालिग युवाओं को नशा करवाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पिछले 2-3 दिनों से तीसरी मंजिल पर खुले कैफे के अंदर छोटे छोटे नाबालिग धूम्रपान के साथ शराब का सेवन कर रहे थे और जोर जोर से गाने लगाकर नाच गाना चल रहा था, जिस पर सूचना मिलने पर पुलिस ने औचक दबिश की, जिसमें एक दर्जन के करीब नाबालिगों को पूछताछ कर सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया और दुकानदार मालिक के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत चलान कर उसे थाना भी तलब किया। हमीरपुर के गांधी चौक पर ही गत करीब 1 माह पहले ही खुले फास्ट फूड कैफे में इस तरह से नाबालिगों को नशे का आदि बनाने के लिए हो रहे काम पर पूरे शहर में चर्चा हो रही है। इस मामले में पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही से भी लोग खुश हैं, ताकि नशे के व्यापारियों पर नकेल कसी जा सके। बता दें कि इस मामले में पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों की भूमिका भी रहने पर पुलिस द्वारा समय रहते दबिश की गई। पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के महासचिव राजीव पुरी ने बताया कि जैसे ही पीपीए के ध्यान में इस मामले को लाया गया, तुरंत पुलिस थाना को सूचित किया गया, जिस पर एसएचओ संजीव गौतम की अगुवाई में टीम ने आके मौके पर कार्रवाई की। हम लोग पीपीए के सदस्यों की तरफ से, कुछ गुप्त सूत्रों की तरफ से हमें ये ऐसी सूचना मिली थी कि गांधी चौक में कोई निजी कोई दुकानदार है, उसने एक वहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई हुई है और उसका हुड़दंग इतना ज़्यादा था कि पूरे गांधी चौक में उससे बहुत परेशानी का माहौल बन रहा था। तो हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, हमने CDSHO साहब से संपर्क किया और उन्हें भी हमने बताया कि सर यहाँ पर ये हमें पता लगा कि यहाँ पर शराब भी चल रही है और मेरे ख्याल से हुक्का भी चल रहा है। तो उस वक्त ही वो हमारे साथ सिविल ड्रेस में आए और हमने वहाँ जाके पूरा चेक किया, तो वहाँ पर बड़े दुख की बात है कि वहाँ पर +1 +2 के बच्चे, जो बहुत ही आज की युवा पीढ़ी है हमारी, वो वहाँ पर हैं और वहाँ पर वो जोर से उन्होंने म्यूज़िक लगाया हुआ है, वहाँ पर हुक्का चल रहा था, वहाँ पर बियर भी चल रही थी। तो इस चीज़ के लिए SHO साहब ने बड़े ही एक अच्छे दोस्त की तरह उन्होंने उनको सबको बड़े प्यार से समझाया कि ये चीज़ गलत है और आपका भविष्य खुद ही आप खराब कर रहे हैं। तो हमारा यही मकसद है कि हमारी युवा पीढ़ी अपने आप को इस गलत चीज़ के को लेके जाने के बजाय अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, मस्ती करें, दूसरी अच्छी वाली मस्ती करें, नशे के प्रति या जैसे रैश ड्राइविंग की तरफ चल रहे बच्चे, इन चीज़ों से वो दूर ही रहें। तो आमतौर पर जो कार्रवाई लाई गई वो एक उस दुकानदार को चलान काटा गया और सख्त हिदायत दी गई कि इसके बाद से अगर ऐसी कोई कार्रवाई में लिप्त पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शायद कि हम हर जन को एक स्वच्छ उसमें माहौल में रखें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही है कि सुरक्षा और खुशहाली, सेफ्टी एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम इन चीज़ों को पूरी तरह से ठीक कर सकेंगे। तो मेरा सभी से ही आह्वान है कि कृपया करके सभी हमारा सहयोग करें। कुछ भी अगर आपको ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स दिखते हैं या कुछ आपको ऐसी गतिविधियों का पता लगता है तो कृपया हमारा सहयोग दें।